जय हिंद साथियों, 8th पे कमीशन का आना तय है जो कि जनवरी 2024 से होगा लागू। पे और पेंशन में यदि ऐसा होता है तो जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर 3.15 के साथ 111% की बढ़त होनी थी और 8th पे कमीशन पे मैट्रिक्स के आधार पर क्या रहेगा, सारा कुछ जानते हैं इस वीडियो के माध्यम। यदि चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा अनुरोध रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा लें। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पे कमीशन क्या है और ये क्यों जरूरी होता है। तो पे कमीशन जो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है और जो कि एम्प्लॉय के सैलरी स्ट्रक्चर को आवश्यकता अनुसार पे कमीशन के द्वारा उसको रिकमेंड किया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा उस पर फाइनल मोहर लगाई जाती है। और जब DADR 50% हो जाता है तो इसे रिव्यू की जरूरत पड़ती है दोस्तों। अब पे कमीशन अब कब बैठी है ये थोड़ा सा इस पर नजर डाल लेते हैं। पे कमीशन फर्स्ट पे कमीशन जो कंस्टिट्यूटेड हुआ May 1946 में हुआ और इसको सबमिट किया गया गवर्नमेंट के पास May 1947। सेकंड पे कमीशन अगस्त 1957 को कंस्टिट्यूट हुआ और सबमिटेड हुआ May 1959 को। थर्ड पे कमीशन अप्रैल 1970 में हुआ और मार्च 1973 में इसको सबमिट किया गया। फोर्थ पे कमीशन जून 1983 में बैठा और इसको लागू किया 1986 एंड 1987। फिफ्थ पे कमीशन अप्रैल 1994 में बैठा और इसको लागू किया गया जनवरी 1997 में। सिक्स्थ पे कमीशन अक्टूबर 2006 में बैठा और इसको लागू किया गया दोस्तों मार्च 2008। सेवंथ पे कमीशन फरवरी 2014 में इसको कंस्टिट्यूट किया गया और ये लागू है फरवरी 2017 में। अब एट्थ पे कमीशन की जो एक्सपेक्टेशन है जो कंस्टिट्यूटेड होगा वो जनवरी 2024 को मान के चल रहे हैं। तो ये था पे कमीशन के पीछे की कहानी। अब चलते हैं असली मुद्दा इसका क्या है। जैसा कि आपके सामने है ये लेटर रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को ये लिखा गया है जैसा कि आपके सामने दिया गया है। और इसका सब्जेक्ट सेटिंग अप ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन ये इसका सब्जेक्ट है। अब मैं इसको आपको इसका हिंदी में आपको मैं बता देता हूँ। सीरियल 1 से लेकर सीरियल 8 तक इसमें क्या क्या मेन बातें हैं वो जल्दी से समझ ले। तो नंबर 1 में इन्होंने कहा कि हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वित्तीय बाधाओं के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स को लगभग 17 साल हो चुके हैं और पे कमीशन सेटअप का गैप भी 10 साल हो चुका है। स्वतंत्रता के बाद पे और पेंशन में नहीं के बराबर वृद्धि हुई जब जब कमीशन बैठा है। इसका कारण रहा है इफेक्टिव फॉर्मूला फॉर टैक्सेशन ऑफ रिवाइज्ड पे एंड अलाउंस। दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि द 7th CPC सबमिटेड रिपोर्ट फरवरी 2017 और इसको इम्प्लीमेंटेशन के आदेश जो इशू हुए वो हुए हैं जुलाई और अगस्त 2017 में, जो कि एरियर्स और रिवाइज्ड पे का जो लाभ है 1/1/2016 से मिलना चाहिए था लेकिन ये दिया गया उसके बाद। अब थर्ड पैरा ए जो है इसमें क्या इन्होंने बताया है, इसके अंदर इन्होंने कहा कि पर कैपिटा जो इनकम है इन इंडिया में मोर देन डबल हो गया है, जैसे कि फ्रॉम 93,293 इन 2015-16 में था, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों 93,293 इन 2015-16 टू 197,000 लगभग डबल हो गया इन 2022-23। एज पर बजट स्पीच ऑफ MOF यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और द ईयर 2023-24 में खुद ये बजट स्पीच में भी बताया गया था, ये यहाँ पर बताया। अब बी पैरा में उन्होंने आगे कहा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पे और पेंशन में बढ़ोतरी सिर्फ 42% की थी, जो कि 1/1/2016 से लेके 1/1/2023 तक का ये 42% की बढ़त यहाँ पर दिखाई गई, जबकि बड़ी ही परसेंटेज होनी थी 111% दोस्तों, ये यहाँ पर दिया गया 111% इसको होना चाहिए था लेकिन मिला है 42%। ये पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री के हिसाब से इसको निकाला जाता है, तो जैसे कि आपको पता है। सी में आगे उन्होंने बताया कि यह बहुत बड़ा अन्याय था, यानी कि यह न्याय संगत नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स के लिए। इसका कारण लगातार इनकम में कटौती करना है, EADR जो दिया गया वह आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। इस महंगाई के खिलाफ बढ़ते हुए पर कैपिटा इनकम के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत है ये कह रहे हैं। चौथा में उन्होंने आगे बताया दोस्तों कि 7th CPC में मिनिमम पे जो है 26,000 फिक्स होनी थी पर वहां पर किया गया 18,000, ये यहाँ पर आपके सामने 18,000 कर दिया गया जबकि इसको होना था 26,000। और उसी तरह फिटमेंट फैक्टर 3.15 होना चाहिए था और ये आपने कर दिया इसको 2.57 इंक्रीज हुआ है, जो कि ये भी न्याय संगत नहीं था।
इम्प्लॉय और पेंशनर्स के लिए इस गलत फॉर्मूले से 3 गुना खतरे का सामना करना पड़ रहा है, खासकर DADR के संदर्भ जब इसे कंपेयर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ, तो इसमें हमें घाटा ही नजर आता है। ये उन्होंने यहाँ पर बताया गया। अगला नंबर 5 पॉइंट है, उन्होंने क्या कहा, 5th और 6th कमीशन ये जो रिकमेंडेशन किया गया, जब DADR 50% से ऊपर होने लगा और इसे 10 साल का गैप भी बीच में हो गया था और इसको तब एक कमीशन ने लिंक कर दिया था, जो कि 6th CPC के अपने एनेक्चर में सारी बातें बताई गई। ये एनेक्चर इन्होंने यहाँ पर इसको कोट किया, एनेक्चर पैरा 1.1.1.4, यानी ये एनेक्चर यहाँ पर लगाया है, क्या कहा गया है, कब कब बैठा, वो पूरा यहाँ पर बताया गया। ये इन्होंने 5th पॉइंट में इसका कोट किया। 6th पॉइंट में उन्होंने कहा कि जब जब लास्ट 3 पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार हम देखते हैं कि जब DADR 50% हो जाता है या बेसिक पे से ऊपर हो जाता है, तो तब पे कमीशन का जो सेटअप किया जाता है, और ऐसे ही अब जनवरी 2024 से DA या DR 50% होने जा रहा है, तो यह जरूरी हो जाता है कि जनवरी 2024 से पे एंड अलाउंसेज और पेंशन को रिवाइज करना चाहिए। ये जो एग्जाइज पॉइंट है दोस्तों, जैसा ये सारा कुछ बताया गया है, ये पूरे आप देखेंगे कि इसमें पूरा उन्होंने मुद्दे के हिसाब से बातें बताई गई। 7th पॉइंट में फिर आगे उन्होंने कहा कि पे कमीशन बैठने के बाद भी, इसमें रिकमेंडेशन के बाद ये यदि पे कमीशन बैठ जाता है उसके बाद भी जब वो रिकमेंड करता है तो गवर्नमेंट के पास 2 साल का समय लग जाता है उसको लागू करने के लिए, जिसके कारण यह आगे भी पे और पेंशन के मूल्यों को कम करता है, जो कि पे कमीशन रिकमेंड करता है उसके आधार पर पे और पेंशन के जो मूल्य है उसमें कमी आ जाती है। 8th पॉइंट में उन्होंने कहा, इसलिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स को राहत देने के लिए इसे जल्दी लागू किया जाए, और जो कि 1 जनवरी 2024 से ये ड्यू हो जाता है। ये यहाँ पर देखिए आप बताया गया, और इसने आगे भी कहा कि कंपनसेट देम फॉर द इरोजन ऑफ देयर पे एंड पेंशन ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रिलेबिलिटी विथ GDP, यानी GDP के साथ जब हम इसको रिलेवेट करते हैं तो ये महंगाई दर इसमें बढ़ जाती है, तो ये विथ रिगार्ड, यहाँ पर यूएस फेथफुली ये सेक्रेटरी जनरल हैं जो ये RSCWS के हैं, जो कि रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के हैं, और इन्होंने ये पॉइंट किया है और कॉपी टू ये आपके सामने है। तो वैसे मैं बता दूं दोस्तों कि जो भी ये काम फर्स्टली जो स्टेप उठाता है वो रेलवे के द्वारा होता है, चाहे पे कमीशन के बारे में हो, चाहे DADR के बारे में हो, चाहे कोई अलाउंस हमें मिलना हो, तो रेलवे से ही इसकी शुरुआत होती है। तो उम्मीद करते हैं कि इस पर सरकार गौर करेगी और आने वाले समय में हमें 8th पे कमीशन देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की जानकारी। यदि जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।